जैसे कि आप सब जानते हैं, ये है सुहाना की स्कूल। तो प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी रेडी हैं मेहंदी कंपटीशन के लिए? अरे हाँ टीचर, हम सब रेडी हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके इंटरनेशनल इंग्लिश स्कूल में ये आपका लास्ट कंपटीशन है। आप सब स्टूडेंट देख सकते हैं आपके सामने मेहंदी के कॉन्स रखे हुए हैं। जो भी बच्चा अच्छे से मेहंदी डालेगा तो उसे प्राइज दिया जाएगा। ये चॉकलेट से बना हुआ है। जो भी बच्चा अच्छे से डिजाइन करेगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे आने वाले बच्चे को ये एक लहरी की चॉकलेट दी जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आप सब रेडी हो? अरे हाँ टीचर, हम सब रेडी है। अरे टीचर, लेकिन मेहंदी अपने ही हाथों पर लगाना है के सामने वालों के हाथों पर? अरे वेरी गुड पिंकू, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। जो भी स्टूडेंट मेहंदी डालने वाला है, इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला है, तो वो अपना पार्टनर क्लास में से ही चुन ले। चलो स्टूडेंट्स, सब अपने अपने पार्टनर्स के साथ में बैठ जाओ। अरे मुझे तो मेहंदी डालना बहुत अच्छी से आती है, मैं अपना पार्टनर किसे बनाऊं? अरे लेकिन सुहाना, मैं तो लड़का हूँ, मुझे तो मेहंदी डालनी नहीं आती है, मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कैसे करूं? अरे मेरी किस्मत, मैं ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता हूँ। अरे ये क्या पिंकू, तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, वो तो एक लड़का है और उसे मेहंदी डालनी तो नहीं आती है। अरे लेकिन मुझे तो मेहंदी डालनी आती है और मैं इस कंपटीशन में हिस्सा भी ले रही हूँ। अरे लेकिन मेरा पार्टनर मैं किसे बनाऊँ, किसके हाथ पर डिजाइन डालूँ? सोफिया को मैं अपना पार्टनर बना लेती थी, लेकिन सोफिया खुद मेहंदी डाल रही है, वो खुद कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले रही है, फिर मैं अपना पार्टनर किसे बनाऊँ? अरे सुहाना सुहाना, तुम मुझे अपना पार्टनर बना लो ना, तुम मेरे हाथ पर डिजाइन डालो। अरे वाह अबिल, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अब मैं तुम्हारे हैंड पर डिजाइन डालूंगी। अरे अरे ये क्या, सुहाना तो अबिल को अपना पार्टनर बना रही है और मैं ऐसा होते हुए नहीं देख सकता हूँ। अरे चलो चलो जल्दी से, मैं सुहाना से कह देता हूँ। अरे सुहाना सुनो ना, देखो मेरे हैंड कितने भले भले और कितने अच्छे है, अगर तुम मेरे हैंड पर डिजाइन डालूंगी ना तो तुम्हें आसानी भी होंगी और तुम्हारी ही डिजाइन सबसे अच्छी दिखेंगी। सुहाना मुझे तुम अपना पार्टनर बना लो प्लीज सुहाना, वैसे भी हम दोनों दोस्त है ना। अरे अब मैं क्या करूँ, अबीर को अपना पार्टनर बनाओ क्या पिंकू को? अरे अबीर, तुम प्लीज मेरे पार्टनर बन जाओ ना, मैं तुम्हारे हाथ पर डिजाइन डालूंगी। अरे हाँ अबीर, गुड आइडिया। सोफिया अबीर, तुम दोनों पार्टनर बन जाओ और पिंकू और मैं पार्टनर बन जाते हैं। अरे वाह वाह सुहाना, कितना अच्छा आइडिया दिया है। चलो सुहाना, आप जल्दी से मेरे हैंड पर डिजाइन डालना शुरू करो। अरे अरे अब मैं क्या करूँ, सुहाना पिंकू ने अपनी जोड़ी बना ली है और अबीर और सोफिया ने अपनी जोड़ी बना ली है। अरे अब मैं किसके हाथ पर डिजाइन डालूंगी, मेरा पार्टनर कौन बनेगा? अरे चलो चलो, चिंकी को कहती हूँ। अरे चिंकी चिंकी प्लीज, क्या तुम मेरा पार्टनर बनोगी? अरे शोली पिंकी, मेरा पार्टनर तो मिंकी है। अरे मिंकी चलो जल्दी से आओ, मैं तुम्हें डिजाइन डालूंगी। अरे हाँ चिंकी मेरी प्यारी बहन, मैं भी आ रही हूँ। अरे चल मुली, तू अपना हैंड बता, मैं तुझे डिजाइन डालूंगी, हम दोनों भी पार्टनर बन जाती हैं। अरे ये क्या, सबने अपने अपने जोड़ियाँ बना ली है। अरे अब मैं किसको अपना पार्टनर बनाऊं? अरे अब मैं क्या करूं, मेरा पार्टनर कौन बनेगा? अरे वाह वाह, मैं ये क्या दिख रही हूँ, लिंकी तो उधर अकेली बैठी हुई है, चलो चलो लिंकी को ही अपना पार्टनर बना लेती हूँ। अरे ओ लिंकी लिंकी, क्या सोचती बैठी हो, चलो इधर देखना। अरे हाँ पिंकी, बोलो क्या बात है? अरे लिंकी के तुम थोड़ा आराम से बात नहीं कर सकती हो, हमेशा चिल्लाती रहती हो। अरे पिंकी, तुम्हें क्या बात करनी है वो कर लूंगा। अरे तुमसे पूछा ना क्या बात है, अब जल्दी बोलो ना। अरे ये लिंकी है ना, ना जाने बैठे बैठे क्या सोचती रहती है, कभी भी किसी पर फट पड़ती है, चलो इससे आराम से बात करती हूँ। अरे लिंकी, क्या तुम मेरा पार्टनर बनोगी, क्या मैं तुम्हारे हैंड पर मेहंदी डाल सकती हूँ मेरी प्याली दोस्त लिंकी? अरे लेकिन पिंकी, मेरा मूड नहीं है, मुझे ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना है। अरे अब तो मैं बहुत बुरी तरह फंसी, अरे ये लिंकी को कैसे भी करके मनाना होगा, नहीं तो कंपटीशन शुरू हो जाएगा। अरे लिंकी, तुम्हारे से एक बात है, अगर तुम मेरे साथ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगी तो इसको छोटे बात, मैं तुम्हें बहुत बड़ी खेतबली दिलाऊंगी, क्या ये डील में डन समझू? अरे वही तो बहुत अच्छी बात है, अगर मैं कंपटीशन में विनर नहीं भी आई तो इसको छोटे बात तो मुझे खेतबली मिलेंगी। अरे चलो डील पक्की कर लेती हूँ। अरे पिंकी लेकिन मेरी एक शर्त है। अरे हाँ लिंकी मेरी प्यारी दोस्त, बोलो ना क्या शर्त है तुम्हारी? मुझे इसको छोटे बात डेली मिल्क की साथ साथ मसाला पापड़ भी चाहिए, अगर तुम दोनों भी मुझे चीजें दिलाऊंगी ना तो मैं ये डील डन कर दूंगी। अच्छा ठीक है लिंकी, मैं तुम्हें दोनों भी चीजें दिलाऊंगी, चलो जल्दी से इधर आ जाओ, मैं तुम्हारे हैंड पर डिजाइन डालती हूँ। अरे हाँ पिंकी, आई नहीं हूँ। और यहाँ पर सब अपने अपने पार्टनर्स के साथ बैठ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, सब अपने अपने पार्टनर को मेहंदी डालना स्टार्ट कर सकते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। और यहाँ पर सब मेहंदी डालना स्टार्ट कर देते हैं। अरे पिंकू, लेकिन तुम तो लड़के हो,
तुम मेरे लिए अपना हैंड क्यों खराब कर रहे हो? मेहंदी तो लड़के डालती है। अगर तुम्हारे हैंड पर तुम्हारे घर में से तुम्हारी मम्मा या फिर तुम्हारे दोस्त देखेंगे तो तुम्हारा मजाक बनाएंगे। अले सुहाना, तुम कहो तो मैं जान हासिल कर सकता हूँ। तो ये हैंड पर डिजाइन डालना कोई भली बात नहीं है। अले पिंकू, क्या कहा तुमने? मुझे कुछ समझ नहीं आया। अले सुहाना, वो मैं ये कहलाता कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना, इसलिए। अले पिंकू, थैंक यू सो मच, तुम कितने अच्छे दोस्त हो। अले सुहाना, आप बस भी करो मेरी तारीफ करना। चलो अब जल्दी से डिजाइन डालना स्टार्ट करो। देखो देखो, सबने डिजाइन डालना स्टार्ट भी कर दिया है। अच्छा ठीक है पिंकू, तुम अपना हैंड आगे कर लो। अले मुझे आराम से डिजाइन डालना होगा, मुझे वो चॉकलेट की गिलहरी चाहिए। चलो अब जल्दी से पिंकू को अच्छे से डिजाइन डालना स्टार्ट कर दिया। अले वाह सुहाना, तुमने तो पूरी दुल्हन की तरह डिजाइन डाली है। ये लो सुहाना, अब मेरा दूसरा वाला हैंड, अब तुम इसके ऊपर भी डाल दो। अले मिंकी मिली प्याली बहन, तुम बिल्कुल भी मत हिलना जब मैं तुम्हें डिजाइन डालूंगी। तो अगर तुम हिल जाओगी ना तो फिर हम विनर नहीं आएंगे। मिंकी मेरी प्याली बहन, तुम मेरी बात को समझ गई हो ना? अले हाँ चिंकी, तुम फिकर मत करो। चलो तुम मेरे हैंड पर डिजाइन डालना स्टार्ट करो, मैं चला भी नहीं हिलूंगी। अच्छी डिजाइन डालूंगी, चलो अच्छे से डिजाइन डालती हूँ। अरे अरे लंकी, तुम्हें क्या कर रहे हो? तुम कितना ज्यादा हिल रहे हो? अरे तुम ऐसे हिलोगी तो मैं तुम्हें डिजाइन कैसे डालूंगी? अरे पिंकी, मुझे कुछ भी मत कहो, अब मैं क्या कर लूँ? मत चल, मुझे परेशान कर रही है। तो जी लो, अब मैं नहीं हिलूंगी। अच्छा ठीक है लंकी, अब बिल्कुल भी मत हिलना, समझ में आया ना? अरे लेकिन मुझे डिजाइन डालना तो नहीं आती है। चलो जाने दो, फिर भी ट्राई करके देखती हूँ। अगर टीचर ने हमारी आवाज सुन ली ना
तो हमें इस कॉम्पिटिशन से लिपस्टिक कैच कर लेंगे। मैं इतनी अच्छे से डिजाइन डाल रही थी, उतने में ही तुमने चिल्ला लिया और देखो पूरी डिजाइन खराब हो गई है। अरे पिंकी, तुम डिजाइन डाल रही हो, तुम तो मेरे दोनों हैंड खराब कर रही हो। देखो देखो तुमने क्या डाला है, ये तो मुझे गाय की पोटी जैसे लग रहा है। ये डिजाइन कहाँ से दिख रही है? जाओ पिंकी जाओ, मुझे तुम्हारे से डिजाइन नहीं डालनी है। तुम्हें तो डिजाइन डालना आती ही नहीं है, तुम तो मेरे इतने खूबसूरत हैं खराब कर रही हो। अरे लिंकी, तुम इतना क्यों नाराज हो रही हो? लिंकी, अगर मैं तुम्हें डिजाइन नहीं डालूंगी तो हम इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कैसे करेंगे? अरे पिंकी, तुम्हें डिजाइन डालना नहीं आती है, अब तुम इधर से बैठो, मैं तुम्हें डिजाइन डालती हूँ। अरे वाह, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। अगर लिंकी को डिजाइन डालना आएंगी तो फिर हम दोनों भी विनर आ जाएंगे। अरे वाह, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। अगर लिंकी को अच्छी डिजाइन डालना आती है तो फिर लिंकी और मैं विनर आ जाएंगे। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो चलो, जल्दी से मैं उधर जाकर बैठ जाती हूँ। अरे लेकिन लिंकी, मुझे अच्छे से डिजाइन डालना, तुम्हारे जैसे मिले हैं खराब मत करना। चलो अब जल्दी से तुम मेरे हाथ पर डिजाइन डाल सकती हो। अरे पिंकी, तुम उसकी फिक्र मत करो, मुझे मेहंदी से डिजाइन डालने बहुत अच्छे से आता है। अच्छी डिजाइन डाली है। अरे चले चले, हम टीचर को बता के लाते हैं। अरे अरे, ये मच्छर कहाँ से मेरे पास भिन भिन कर ले। फुस फुस फुर। अरे ये के मच्छर इतना क्यों परेशान कर ले है मुझे। अरे मेरे चेहरे पे बैठ गया है, अभी मलती हूँ। अब मला ना मच्छर, भला आया था पिंकी को परेशान करने वाला। अरे ये क्या, ये मच्छर तो मेरे दूसरे गाल पर बैठ गया है, अभी दूसरे हाथ से मलती हूँ। अरे वाह, ये दूसरा मच्छर भी मल गया, भले आए थे पिंकी से पंगा लेने वाले। अरे पिंकी, तुमने ये क्या कर दिया, तुमने तो पूरी डिजाइन खराब कर दी है। अरे ये क्या, मेरी मेहंदी तो पूरी खराब हो गई है। अरे सॉरी लिंकी, के तुम मुझे फिर से मेहंदी डाल सकती हो? सॉरी ना लिंकी। अरे पिंकी, मैंने तुम्हें इतनी मेहनत से मेहंदी डाली थी और तुमने पूरी मेहंदी खराब कर दी है। पिंकी, तुम ऐसे क्यों करती हो, तुम्हें कुछ अक्कल बक्कल है कि नहीं? अरे अभी तुम जलाश अभी मत हिलना, नहीं तो हमारी मेहंदी खराब हो सकती है। देखो शब ने मेहंदी डालना स्टार्ट भी कर दिया है। चलो अब मैं तुम्हें मेहंदी डालती हूँ। अरे हाँ शोफिया, मैं जलाश अभी नहीं हिलूंगा। चलो तुम मुझे मेहंदी डालना स्टार्ट करो। तुमने तो मुझे बहुत अच्छे से डिजाइन डाली है, अली थैंक यू। अभी अरे वाह वाह, बच्चे तो कितने अच्छे से डिजाइन डाल रहे हैं। अरे अब ना छाने किसे मिलेंगे ये प्राइज, इतनी बड़ी चॉकलेट की गिलहरी। अली मिली गोल्डन। अली मैं तो बहुत ज्यादा थक गई। अरे वाह वाह सुहाना, क्या बात है, तुमने तो मुझे पूरी दुल्हन मेहंदी डाली है। अरे वाह, ये डिजाइन कितनी खूबसूरत दिख रही है। अरे वाह सुहाना, तुम्हें तो हर काम आता है, तुम तो हर काम में परफेक्ट हो। सच में सुहाना, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। अरे पिंकू, अब बस भी कर लो मेरी तारीफ करना। अरे जो भी बच्चों का मेहंदी डालना हो गया है वो मुझे आकर बताएं। अरे चलो पिंकू, हमारा तो मेहंदी डालना हो गया है, हम टीचर को जाकर बताते हैं। अरे हाँ सुहाना क्यों नहीं, देखना टीचर तुम्हारी बहुत तारीफ करेंगी। अरे वाह वाह पिंकू, क्या बात है, तुम्हें इतनी प्यारी डिजाइन
किसने डाली है? ये तो पूरी दुल्हन मेहंदी दिख रही है। अली टीचर, मैंने पिंकू को डिजाइन डाला है। अरे सुहाना, तुमने पिंकू को डिजाइन डाली है? वेरी गुड सुहाना, वेरी गुड, तुम्हें तो हर काम आता है। वाओ, तुमने तो दुल्हन मेहंदी डाली है। सच में सुहाना कितनी इंटेलिजेंट है। अरे सुहाना से मैं भी डिजाइन डाल लेती हूँ, फिर छह में साथ देखेंगे ना तो मेरी बहुत तारीफ करेंगे। चलो चलो, मैं भी सुहाना से मेहंदी डाल लेती हूँ। सुहाना बेटी, कि तुम मेरे दोनों भी हाथों पर डिजाइन डाल सकती हो? अली हाँ टीचर, क्यों नहीं, बताइए ना, आपके दोनों भी हैंड पर मैं डिजाइन डाल देती हूँ। और यहाँ पर सुहाना मेहंदी टीचर को डालने लगती है। अरे वाह वाह, सुहाना की डिजाइन टीचर को इतनी पसंद आई कि टीचर खुद बैठ गई मेहंदी डालने के लिए। अरे सच में मेरी सुहाना कितनी इंटेलिजेंट है। और यहाँ पर सुहाना टीचर को डिजाइन डाल देती है। अरे वाह वाह सुहाना, क्या बात है, तुमने मुझे कितने अच्छे से डिजाइन डाली है। अरे वाह, ये तो दुल्हन मेहंदी है और मेरे हैंड तो कितने अच्छे दिख रहे हैं। वेरी गुड सुहाना बेटी, वेरी गुड। अरे थैंक यू सो मच टीचर। अरे चलो, मैं अपनी मेहंदी सुखा लेती हूँ और स्टूडेंट की मेहंदी भी चेक कर लेती हूँ। चलो सभी स्टूडेंट्स, अपने अपनी मेहंदी डालना स्टॉप कर दो। चलो मुझे आकर बताओ। अरे टीचर, ये देखिए मेरी डिजाइन, मुझे सोफिया ने डाला है। अरे अभी तुम्हें सोफिया ने डिजाइन डाली है? ओके गुड सोफिया, नेक्स्ट। अरे चलो, मैंने अपनी डिजाइन टीचर को बता दिया है, चलो मैं अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता हूँ। अरे लिंकी, अब मैं क्या करूँ, मेरी डिजाइन तो खराब हो गई है, अब मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे नेक्स्ट पेंकी, चलाओ जल्दी से अपनी डिजाइन बताओ। अरे ये क्या, टीचर तो मुझे बुला रही है, अरे मुझे तो अब जाना होगा। ये देखिए टीचर, मेरी डिजाइन। अरे ये क्या पिंकी, तुमने ये अपनी मेहंदी चेहरे पर क्यों लगा ली है? अरे टीचर, वह है ना बड़ी लंबी कहानी है, लिंकी ने मुझे बहुत अच्छे से डिजाइन डाली थी, लेकिन उतने में ही मच्छरों ने मुझे इतना परेशान किया कि मच्छर को मारने की चक्कर में मैं भूल गई कि मेरे हैंड पर डिजाइन लगी हुई है, और तभी चेहरे पर, समझ गई ना आप? अरे पिंकी, तुम तो कुछ भी करती रहती हो, जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी हैंड पर डिजाइन लगी हुई है तो तुम्हें मच्छर मारने की क्या जरूरत थी, तुमने तो अपनी पूरी मेहंदी खराब कर दी है। चलो जाओ, अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ। अले हले, मेरी किस्मत, अच्छे खासे डिजाइन मेरी खराब हो गई। नेक्स्ट नूली मूली, चलो जल्दी से आओ। अली नूली, टीचर बुला लिए, मैं जाऊं? अली हाँ मूली, जाओ जाओ अपनी डिजाइन बता कर ले आऊं। अली चलो, मैं अपनी डिजाइन बता कर लाती हूँ। ये देखिए टीचर, मेरी बहन नूली ने डिजाइन डाली है। अरे हाँ मूली, बताओ बताओ तुम्हारी डिजाइन। अरे ये क्या, ये कौन सी डिजाइन है? अरे ये बच्चे भी ना। ओके मूली, तुम्हारी डिजाइन थोड़ी ठीक ठाक है। नेक्स्ट चिंके मिंके। अली वन नूली, टीचर ने हमारी डिजाइन को ठीक ठाक कहा है। अली वाह मिंकी, तुमने तो मुझे बहुत अच्छी डिजाइन डाली है, रुको मैं अभी टीचर को बता कर लाती हूँ। अली टीचर, ये देखिए मेरी डिजाइन, मुझे मिंकी ने डाला है। अरे वेरी गुड चिंकी मिंकी, तुम दोनों की भी डिजाइन सच में बहुत अच्छी दिख रही है। गुड गुड, जाओ तुम दोनों भी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ। अरे वाह, चलो मैंने सबकी डिजाइन देख ली है, अब रिजल्ट सबको बता देती हूँ। तो स्टूडेंट्स, मैंने सबकी डिजाइन देखी है और सबसे अच्छी डिजाइन जो मुझे पसंद आई है उसका नाम है सुहाना। सुहाना, सुहाना ने सच में बहुत अच्छी डिजाइन डाली है। सुहाना चलो जल्दी से आओ, अपना प्राइज लेकर जाओ। ये ये अले वाह, टीचर को मेरी डिजाइन पसंद आई है। खेलो सुहाना, तुम्हारा प्राइज चॉकलेट की गिलहरी, खाओ और मजे करो। ये ये अले वाह, मैं मेहंदी कॉम्पिटिशन में फिनल आई हूँ, मुझे चॉकलेट की गिलहरी मिली है। ये ये अले चलो, पिंकू की शायद बैठ कर ये चॉकलेट की गिलहरी खाती हूँ। और जो सेकंड नंबर पे आया है, जिसकी डिजाइन मुझे पसंद आई है, वो है मिंकी। मिंकी ने भी चिंकी को बहुत अच्छे से डिजाइन डाली है। चलो मिंकी, अपना प्राइज लेकर जाओ। ये ये अली वाह चिंकी, टीचर को हमारी डिजाइन पसंद आई है। अली चलो जल्दी से, मैं अपना प्राइज लेकर आती हूँ। अली ये मेहंदी का कोन यहाँ पर लिख देती हूँ। चलो मिंकी, तुम्हारा प्राइज चॉकलेट की गिलहरी। थैंक यू टीचर। अली चलो चिंकी, इसी हम पोल कल करते हैं। अले लिंकी, अब सिर्फ थर्ड प्राइज बाकी है, अब ना जाने टीचर किसका नाम कहेंगी। अब थर्ड नंबर पर जो आया है उसका नाम है सोफिया। सोफिया ने भी अबीर को बहुत अच्छे से डिजाइन डाली है। चलो सोफिया जल्दी से आओ, अपना प्राइज लेकर जाओ। ये ये अली वाह, मैं थर्ड नंबर पर आई हूँ, मैं थर्ड नंबर पर आई हूँ, लाइए टीचर मेरा प्राइज। अली वाह चॉकलेट की गिलहरी, चलो मैं अबीर की शायद बैठ कर खाती हूँ। और यहाँ पर सभी बच्चे अपने अपने प्राइज को एंजॉय करने लगते हैं। और चलो, जब तक स्टूडेंट चॉकलेट की गिलहरी खाकर एंजॉय कर रहे हैं, मैं अपनी डिजाइन जैमी सर को बता कराती हूँ। अरे अब ना जाने जैमी सर मेरी मेहंदी की तारीफ में क्या कहेंगे। अली चलो, मैं पैकेट में से चॉकलेट की गिलहरी निकाल लेती हूँ। अली वाह सच में, इसमें से तो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अली वाह, मेरे मुँह में तो पानी आ रहा है। अली पिंकू,
चलो ना हम दोनों भी चॉकलेट की गिलहरी खाते हैं। अले सुहाना ये तुम्हारा प्राइज है, तुम खाओ इसे। अले पिंकू जब मैं विनर आई हूँ ना उसकी वजह तुम हो, क्योंकि जब मैं तुम्हें मेहंदी डाल रही थी तो तुम जला भी नहीं हिले। चलो पिंकू अब जल्दी से मेरे साथ में चॉकलेट खाओ, क्योंकि ये सब तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ है। चलो पिंकू। अच्छा ठीक है सुहाना, लेकिन देखो ना मेरे हाथों पर तो मेहंदी लगी हुई है, तुम अपने हाथों से मुझे खिलाओ। अले हाँ पिंकू क्यों नहीं, लुको लुको मैं तुम्हें खिलाती हूँ। अले अपना मुँह तो खोलो। अले सुहाना बस भी कर लो, इतनी सारी चॉकलेट मुझे ही खिला दूंगी क्या। अले अले देखो तो सही पिंकू और सुहाना को कितना एंजॉय कर रहे हैं, कैसे इतनी बड़ी चॉकलेट ठूस रहे हैं। अले मेरे किस्मत। अले वाह सुहाना ये चॉकलेट तो सच में बहुत टेस्टी है, चलो चलो अब तुम भी खाओ ना। अले हाँ पिंकू चलो मैं भी चॉकलेट खाकर लिखती हूँ। अले वाह पिंकू सच में ये चॉकलेट तो बहुत यमी है। अले हाँ सुहाना बिल्कुल तुम्हारी तला। अले पिंकू तुम्हें क्या कह रहे हो। अले सुहाना वो बस मैं ऐसे ही। अले सुहाना देखो स्कूल की छुट्टी हो गई है, अले चलो मैं चलता हूँ। अले लेकिन पिंकू तुम कुछ कह रहे थे। अले वाह आज तो मैं बाल बाल बचा, चलो अच्छा हुआ स्कूल की छुट्टी हो गई है। अले चिंकी आप मुझे भी तो दो, तुम ही खा लूंगी पूरी चॉकलेट। अले हाँ इनकी दूंगी, चलो मुझे तो पहले खाने दो। और सभी बच्चे अपने अपने घर पर जाने लगते हैं। दोस्तों आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।